गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा. दिस इज बरखा गौर, योर बायोलॉजी टीचर. सो हाउ आर योर स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर वेल एंड स्टडिंग वेल, गोइंग थ्रू ऑल द वीडियोज एंड डाउट सेशंस एंड रिवाइजिंग योर चैप्टर्स. सो दिस इज द टाइम फॉर रिविजन स्टूडेंट्स. सो वी आर स्टार्टिंग रिवाइजिंग आर चैप्टर 1 and 2 इन दिस वीडियो सेशन. नाउ एज वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द प्रॉपर लेक्चर, यू हैव गॉन थ्रू द वीडियो ऑल्सो, we are going to just revise the important points of these chapters. So let us begin with the chapter number 1, and I suggest you to open your NCERT books for better understanding and marking the important diagrams and points. So children, open page number 3, the chapter 1, that is the living world. We will be revising important points. So children, this is a very simple chapter, बहुत छोटा सा chapter है और इसमें से भी कुछ deleted portion भी हमारा remove हो चुका है. तो हम जो आने वाला portion है which is there in the course, वो हम discuss कर लेते हैं. So let us begin with the unique features of living organisms. As you are already well familiar with this word living organism, तो living organism हम कब कहेंगे किसी organism को? जब वो ये following features शो करता है. द फॉलोइंग फीचर्स आर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड लाइफ स्पैन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रोथ. ग्रोथ क्या होता है एक्चुअली? जब नंबर ऑफ सेल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो जब सेल डिवाइड होते हैं तो ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है एंड इट शोज ग्रोथ. तो ग्रोथ इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नन ऑफ द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विल शो दिस फीचर. ओके, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन. वॉट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. अपने ही जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करना इज रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विल रिप्रोड्यूस इट्स ऑफ स्प्रिंग्स. देन थर्ड इज मेटाबॉलिज्म. तो चिल्ड्रन, वॉट इज मेटाबॉलिज्म? आप अपनी बुक में पेज नंबर 4 पर ये सारे फीचर्स देख सकते हैं, है ना. रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, ऐसे ग्रोथ डिस्कस किया. फॉर मेटाबॉलिज्म यू ओपन पेज नंबर 5. तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है एक्चुअली? हमारी बॉडी में जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेनी केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन. तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में कुछ ना कुछ बन रहा होता है. सम सिंथेसिस इज गोइंग ऑन, सम ब्रेकडाउन ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसका ब्रेकडाउन चलता है या रेस्पिरेशन हो रहा है. तो ऑल दीज जो प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी आर कंबाइनिंगली, हम उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं. मीन्स सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन दोनों मिलाकर क्या हो जाता है? मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट फीचर इज कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि रिस्पॉन्स देना. जैसे अगर कोई एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं, कोई भी प्लांट है या एनिमल है, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट गिव राइज टू रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स देता है स्टिमुलस, मतलब कोई भी चेंजेस के लिए रिस्पॉन्स जो आता है वही है कॉन्शियसनेस. मतलब हम उसको रिस्पॉन्स करने को ही कॉन्शियसनेस कहते हैं. लाइफ स्पैन, तो एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो बैक्टीरिया हो या एलिफेंट है या कोई भी स्मॉल से स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या लिविंग जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, लार्जर ऑर्गेनिजम्स, एवरी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ हैव अ पर्टिकुलर लाइफ स्पैन. सबका एक लाइफ होती है. कोई कितने ईयर्स जिएगा, कोई 50 ईयर्स जिएगा, कोई 100 ईयर्स की लाइफ है. ओके, तो दीज वर द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी बुक में वो है डाइवर्सिटी. नाउ व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मींस द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ मेक्स द डाइवर्सिटी. तो ऑकरेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नली बिल्कुल अलग दिखते हैं, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, कोई कैट है, डॉग है, तो ऑल दे आर, बाहर से भी वो हमें अलग दिखेंगे एंड इंटरनली देयर सेल्युलर स्ट्रक्चर या पूरा जो इंटरनल एनाटॉमी है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगी. तो दे डिफर इन मॉर्फोलॉजी, साइज सबकी अलग अलग है, कलर आर डिफरेंट, एनाटॉमी मीन्स इंटरनल फीचर्स आर डिफरेंट, एंड हैबिटेट्स एंड हैबिट्स. हैबिटेट्स मीन्स द प्लेस वेयर दे आर लिविंग. सब अलग अलग जगह पर रहते हैं एंड देयर लिविंग हैबिट्स भी डिफरेंट है. तो दीज आर वॉट इज दिस शोइंग डाइवर्सिटी. देन जब हम एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं तो देर इज अ टर्म सिस्टमिक्स. सिस्टमिक्स मीन्स द प्रॉपरली सब ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज करना सिस्टमैटिक तरीके से.
आइडेंटिफिकेशन, मान लो कोई भी हमें नया ऑर्गेनिज्म दिखता है या व्हेन वी सी एनी ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, वी वांट टू आइडेंटिफाई इट. हम आइडेंटिफाई कब कर पाते हैं? उसके फीचर्स देखकर. सो आइडेंटिफिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देन नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर आपके बुक में पेज नंबर 6 पर टॉपिक दिया हुआ है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर ऑन द लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 6 लास्ट पैराग्राफ, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर. नाउ व्हाट इज दिस बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर? मींस एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन साइंटिफिक नेम, जिसको पूरे वर्ल्ड में उस नाम से ही जाना जाएगा. तो दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. तो ये जो साइंटिफिक नेम होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज जेनरा एंड स्पेसिफिक एपिथेट. तो जीनस कहते हैं हम जिसको, और स्पीशीज. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंजीफेरा इंडिका. तो मैंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो. सिमिलरली होमो सेपियंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस. तो इस तरीके से एवरी नेम, एवरी साइंटिफिक नेम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एंड देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग दीज साइंटिफिक नेम विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 7. हम ये पॉइंट्स रीड कर लेते हैं. जैसे बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन लैंग्वेज एंड इट इज रिटन. आप बुक में जब भी देखेंगे अगर कोई साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है तो वो इटैलिक्स में होगा, मीन्स द वर्ड्स आर स्लैंटिंग, तो इटैलिक्स में लिखा होता है. द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस. अभी मैंने बताया जीनस है और उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, लेकिन जब स्पीशीज का नाम लिखेंगे अपन साथ में तो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा? स्मॉल होगा. तो ये रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. और अगर आप हैंड से, अपने हाथ से नाम लिख रहे हैं साइंटिफिक नेम, तो उनको हम अंडरलाइन भी करते हैं, लेकिन जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पीशीज को अलग अंडरलाइन करेंगे. तो दीज आर द सर्टन रूल्स फॉर नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म. एंड लास्ट में आता है हमारा क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन क्या शो करता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसको अरेंज करना हायरार्की में. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज हायरार्की, मींस टू क्लासिफाई किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं. दिस विल बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन, वेदर इट इज प्लांट या हम अभी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भी समझेंगे. तो व्हाट आर, हाउ कैन वी पुट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, दिस इज व्हाट क्लासिफिकेशन. एज आई एक्सप्लेन्ड यू बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका, द नेम इज कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, मैंजीफेरा एंड इंडिका. देखो यहाँ पे एम कैपिटल है एंड आई इज स्मॉल, एंड इसका जो इट इज रिटन इन इटैलिक्स फॉर्म, इटैलिक्स इसको लिया हुआ है. और अगर हम हाथ से कहीं पे नाम लिखेंगे तो वी कैन नॉट राइट इन इटैलिक, हमारी जैसी हैंड राइटिंग होगी वैसी लिखेंगे, बट वी विल अंडरलाइन देम सेपरेटली. मैंजीफेरा को अलग से अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग से अंडरलाइन करेंगे. नाउ देयर इज अनदर टर्म दैट इज टैक्सोनॉमी. तो टैक्सोनॉमी एक बहुत ही डिफरेंट सा वर्ड होगा आपके लिए. टैक्सोनॉमी का मतलब ही ये है कि अरेंज करना, क्लासीफाई करना, या पर्टिकुलर ग्रुप में किसी ऑर्गेनिज्म को, मतलब वो ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में को बिलोंग करता है, यही टैक्सोनॉमी है. तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको हम उसके फीचर्स देखेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल, देन वी विल पुट इट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, दिस इज वॉट टैक्सोनॉमी. तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इज शोन एज टैक्सोनॉमी. तो उसकी सारी जो ग्रुप्स हैं, सारी कैटेगरीज हैं, वो टैक्सोनॉमी में हमको शो हो जाएंगी. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये डिस्कस कर लेते हैं. अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज अ रैंक और लेवल इन द हायरार्कियल क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो ये जैसे ये आप देख रहे हैं, इससे आप बहुत फेमिलियर होंगे. जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उसका हम किंगडम स्पेसिफाई करेंगे, देन डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, और अगर वो एनिमल है तो हम उसमें फाइलम हेडिंग देते हैं, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. ये पूरी क्या है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में द ऑर्गेनिजम्स आर पुट इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हायरार्की. ये सबसे बड़ा, सबसे बिगर जो कैटेगरी है, है ना, किंगडम. जैसे टोटल पूरे अर्थ पे ओनली 5 किंगडम्स आर देयर, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमिलिया. तो सोचो आप किसी एक किंगडम में तो बहुत एनॉर्मस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे. फिर किंगडम से सेकंड कैटेगरी पे जो हमारा लेवल है वो है डिवीजन या फाइलम. फाइलम भी आपने क्लास 9th में भी फाइलम पढ़े हैं सारे एनिमल्स के और प्लांट्स के. तो फाइलम इज ऑल्सो अ बिग ग्रुप. बस ये जरूर है कि सबसे छोटा जो ग्रुप है वो स्पीशीज होता है. स्पीशीज इज अ कैटेगरी
इन विच सेम टाइप ऑफ एनिमल्स या सेम टाइप ऑफ प्लांट्स आर केप्ट, और इनमें ये आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं. नाउ मेनी स्पीशीज मिलकर एक जीनस बनाते हैं. जीनस, वन जीनस विल कंटेन मेनी स्पीशीज. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, मान लो किसी एक पर्टिकुलर जीनस की बात करें, जैसे सोलेनेसी फैमिली, एक फैमिली में बहुत सारे जीनस होंगे, ऐसे एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज होंगे. सिमिलरली एज वी गो हायर तो मैनी फैमिलीज विल कम अंडर वन ऑर्डर एंड मैनी ऑर्डर विल कम इन वन क्लास. जैसे आप जानते हैं फाइलम कॉर्डेटा के, मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ. फाइलम कॉर्डेटा कंटेन फाइव क्लासेस, है ना, पढ़ा है हमने, फिशेस यानी पाइसेस, देन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एव्स एंड मैमल्स. तो ये क्या है, फाइव क्लासेस ऑफ फाइलम कॉर्डेटा है. तो इस तरह से ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन बी, इनको हम अलग से सेपरेट करके एक एक उसका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इन्हीं को हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी कहते हैं. सो दिस वॉज ऑल इन चैप्टर नंबर वन. नाउ इन नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 15 फॉर डूइंग द एक्सरसाइज. वी विल रिवाइज the questions which are given in your NCERT book. Okay, now let us discuss, for example, question number 1. What is, why are living organisms classified? beta hum log classification ke bare mein bahut kuch pad chuke hain. You have gone through the video and you have this file also with you, na, question answers ki aapke paas PDF file bhi aayi hogi, aapne padha bhi hoga. Just let me summarize the answer ki hum kyun karte hain classify. Ek to dekho, कोई भी एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म को हम उठा उठा के, देर आर मिलियन ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ. कोई भी साइंटिस्ट भी हैं या कोई भी है, वो एक एक ऑर्गेनिज्म को उठा के स्टडी करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो उसको हम एक ग्रुप को उठा लेते हैं, और ग्रुप के जो फीचर्स हैं वही हर ऑर्गेनिज्म के, उस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के फीचर्स होंगे. तो एक तो क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है, हम एक ग्रुप को स्टडी करते हैं, इससे सारे ऑर्गेनिज्म्स की स्टडी हो जाती है. एंड the क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी ईजियर. तो एक तो ईजी हो जाता है, और हर ऑर्गेनिज्म को क्योंकि स्टडी करना मुश्किल है, तो हम क्लासीफाई करके उनको एक ग्रुप में रखकर उस ग्रुप की स्टडी कर लेते हैं. तो दिस इज वाई वी, वाई द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड. ओके, अब जैसे अलग अलग फीचर्स होते हैं, फीचर्स में हम देखें तो दीज आर द फीचर्स, लाइक एक्सटर्नली वो कैसा दिख रहा है, उसका हैबिटेट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इट शोज, हाउ इट रिप्रोड्यूसेस, ये सारे फीचर्स देखकर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं. नाउ गिवन बिलो इज द, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन. अभी आप सेकेंड चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने, मेनी साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म. तो क्लासिफिकेशन जैसे स्टार्टिंग में हुआ होगा वैसा का वैसा ही नहीं रहा, बार बार चेंज हो रहा है, क्योंकि कई चीज़ें जो डिस्कवर होती हैं, कई नॉलेजेस इम्प्रूव होते हैं, तो उसकी वजह से मैनी साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज, कई सारे जो डिस्कवरीज होती हैं उसकी वजह से जो क्लासीफाई करने का तरीका है वो भी हमेशा चेंज होता रहता है. ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन. अब जैसे हम पीपल को क्लासिफाई भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, है ना, वेदर दे आर मेल और फीमेल. हाइट वाइज भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, वेट वाइज कर सकते हैं, स्किन के कलर वाइज, या फिर हमको क्लासिफाई करना हो तो भी कहाँ के रहने वाले हो आप, व्हाट इज़ योर नेटिव प्लेस, और यू कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और ग्रेड्स इन स्कूल. तो देर आर अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया बाय विच वी कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. What do we learn from identification of individuals and populations? Identify करने से या population को study करने से क्या हमें क्या हम सीखते हैं? The taxonomical study of classification requires identification of individual and population. सबको हमें जानना ज़रूरी है. This helps the scientists to establish similarities and dissimilarities between them. तो identification से हम compare कर पाते हैं organisms को. Question number 5. It is the given below is the scientific name of mango. Identify the correctly written name. अभी जैसे मैंने आपको rules समझाए थे, है ना, you should know the rules. जब भी आप classify करते हैं या किसी का scientific name लिखते हैं तो आपको rules पता होने चाहिए. तो देखो,
ये यहाँ पे दिया हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे M कैपिटल है, यहाँ I कैपिटल है, इज इट करेक्ट? नो, M शुड, मैंजीफेरा का M शुड बी कैपिटल एंड इंडिका का I शुड बी कैपिटल। तो ये हमने अभी जब नॉमेनक्लेचर पढ़ा था तब आपको समझाया था, ओके? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन डिफाइन अ टैक्सॉन, टैक्सॉन अभी जैसे हमने पढ़ा था किंगडम, फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारे हमने कैटेगरीज पढ़ी। तो ईच टैक्सा, हर लेवल पे जो एक हमने ग्रुपिंग की हुई है वो क्या है? टैक्सा है। तो इट इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो टैक्सा आर अरेंज इन हायरार्की। हायरार्की क्या है? जिस तरीके से हम अरेंज करते हैं ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये पूरी हायरार्की है। तो सिस्टमैटिक जो तरीका है उसको लिखने का, दैट इज कॉल्ड हायरार्की। क्वेश्चन नंबर 7, अब जो मैंने आपको हायरार्की समझाई उसका करेक्ट सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, है ना? तो स्पीशीज सबसे लोअर लेवल पे है, सबसे लोएस्ट जो ग्रुपिंग है वो स्पीशीज है। तो हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं? द करेक्ट सीक्वेंस इज ये है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो आपको ये लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड स्पीशीज, डिस्कस। तो दिस क्वेश्चन इज फॉर डिस्कशन, वी कैन जस्ट गो थ्रू इट, रीड इट, ओके? देर इज नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। जैसे अभी हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर एंड जीनस। तो इसमें क्या है? देखो, फाइलम इज अ कैटेगरी विच ग्रुप टुगेदर, क्या आ जाएंगे इसमें? सारी क्लासेस आ जाएंगी। तो डिफरेंट फाइलम्स हैव क्लासेस, फाइलम के बाद क्लासेस आता है, तो ये किंगडम के बाद फाइलम आएगा एंड फाइलम के बाद क्लास आएगी। तो इस तरह से हम इस कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं। तो फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ क्लासेस विच हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस। नाउ क्लास क्या है? विच इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। देन फॉर एग्जाम्पल, मैमिलिया इज अ क्लास, हमने पढ़ी हुई है, और इसमें एक ऑर्डर आता है कार्निवोरा। अब कार्निवोरा ऑर्डर में सारे कार्निवोरस एनिमल्स आ जाएंगे, दैट इज कैट, डॉग, टाइगर, ओके? तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? फैमिली, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, तो बहुत सारे जीनस एक फैमिली में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं, द जेनेरा फेलिस, ये जीनस फेलिस है, एंड पेंथरा। तो ये फेलिस एंड पेंथरा आर इंक्लूडेड इन द फैमिली फेलिडी, तो ये फैमिली फेलिडी में आ जाएंगे ये दोनों जीनस, ठीक है? इन दिस वे वी कैन कैटेगराइज देम। देन ऑर्डर, ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फैमिलीज, तो एक ऑर्डर में कई सारी फैमिलीज आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बोथ फेलिडी एंड कैंसिडी, दे बिलोंग टू ऑर्डर कार्निवोरा। तो इन दिस वे वी कैन क्लासीफाई देम एंड वी कैन डिफाइन ऑर्डर। नेक्स्ट है जीनस, तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच कंप्राइज अ जीनस। तो एक जीनस में, जैसे कि पैंथरा जीनस है, पैंथरा जीनस विल इंक्लूड ऑल दीज एनिमल्स, लॉयन, लेपर्ड, टाइगर। तो दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस, तो ये एक जीनस में बहुत सारे एनिमल्स आ सकते हैं, मीन्स मेनी स्पीशीज विल कम अंडर वन जीनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 वी आर नॉट डिस्कसिंग बिकॉज इट इज कमिंग अंडर द डिलीटेड पोर्शन, है ना? ये रिमूव हो चुका है हमारे कोर्स में से, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन 11th देख लेते हैं, इलस्ट्रेट द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है एक्चुअली? ये दिस इज द टेक्सोनॉमिक हायरार्की, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो इसमें हम कुछ एनिमल्स को एग्जाम्पल लेकर हम समझ सकते हैं, जैसे वीट कम्स अंडर किंगडम प्लांटी, जबकि एलिफेंट एनिमेलिया में आ जाएगा। वीट का फाइलम है एंजियोस्पर्म, क्लास मोनोकॉटिलेडन, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस ट्रिटिकम एंड स्पीशीज एस्टिवम। ऐसे ही एलिफेंट को हम अगर क्लासीफाई करें, हायरार्की इसकी शो करें, तो एनिमेलिया कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्रोबोसिडा, फैमिली एलिफेंटिडी, जीनस एलिफेस एंड स्पीशीज इज मैक्सिमस। तो इस तरह से ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ कैन बी क्लासीफाइड। सो चिल्ड्रन, वी हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। I hope you would have understood. Okay.